Shrikar, welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm back with another Amazon haul, and this time I have some amazing steal deal for you guys. मैं Amazon का ना clearance जो sale वाला एक section होता है वो explore कर रही थी और मुझे top brands पे इतनी सही deal मिली. Plus आपके लिए I think और सस्ता हो जाएगा because अभी start हो चुकी है Amazon की Great Republic Day sale. 17 से 20th ये sale चलने वाली है, तो I think इन चीजों पर आपको और better deal मिल जाएगी. Plus the best part is मैंने जो भी चीजें shop करी हैं एकदम perfect है, ना ही winter specific है ना summer specific है. आप इसको दोनों सीजन में पहन सकते हो. कैसे वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैंने पिक करी है ये ओनली की चेकर्ड शर्ट. एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये रेड और ब्लू वाला जो चेकर्ड था ना, मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे कहीं नहीं मिला. एंड रैंडमली जब मुझे अमेजोन पे दिख गया ना, आई वाज लाइक मेरा साइज हो काश, और मुझे मिल गया. अभी भी अवेलेबल है और इतना सही डील पे अवेलेबल है ना, आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय. सो दिस इज हाउ द शर्ट लुक्स लाइक. एंड इट्स लाइक अ लॉन्ग शर्ट, ये शॉर्ट वाली नहीं है, ऑलमोस्ट ये नी से थोड़ा सा और ऊपर जाती है. सो ये ड्रेस फॉर्म में एक चेकर्ड शर्ट है, काफी सही लगती है. अभी आप विंटर्स में इसके नीचे टाइट्स पहनो, बूट्स पहनो, इसके ऊपर ओवर कोट डालो. मैं डेफिनेटली जब स्टाइल करूंगी मैं आपको इंस्टाग्राम दिखाने वाली हूँ. और गर्मी में आप इसको खाली भी पहन सकते हो अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस में कंफर्टेबल हो, या फिर आप इसके नीचे लेगिंग टाइट्स पहन के फिर बेलीज या फिर लोफर्स पहन सकते हो. सो ऐसी जो शर्ट्स होती है ना, ये दोनों सीजन में एकदम परफेक्टली चलती है. ये बाय द वे फुल स्लीव्स है, लेकिन गर्मियों में आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो. ये फोल्ड होकर भी बहुत सही लगती है. इसमें एक साइड यहाँ पे ऐसे कांटे कांटे जैसा कुछ डिजाइन दिया हुआ है, थोड़ा ऐसा है, ज्यादा नहीं है. इस साइड नहीं है, खाली एक साइड आपको मिलेगा. पीछे छोटा सा एक टैग है ओनली का. मटेरियल भी इसका काफी कंफर्टेबल है. इसमें मैंने साइज पिकअप किया है 36, विच इज इक्वल टू स्मॉल. नाउ इसके डिस्क्रिप्शन आप जब Amazon पर नीचे जाओगे ना, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी और उसमें लिखा भी हुआ है कि इसका जो फिट है वो लूज फिट है. ये बाय द वे 100% विस्कोसिटी मटेरियल की है. सो लूज फिट के हिसाब से मुझे एक्सेस भी आता, लेकिन एक्सेस आता बिल्कुल फिटेड ऐसे प्रॉपर वाला, जो मुझे नहीं चाहिए था. मुझे जैसे मॉडल ने पहना हुआ था ना एकदम लूज लूज स्टाइल, मुझे वैसा ही चाहिए था, इसलिए मैंने एस साइज पिकअप किया है. आप भी अपना साइज चार्ट मैच करके ले सकते हो बिकॉज साइजेस अभी सारे अवेलेबल है. नेक्स्ट चीज मैंने पिकअप करी है, यू कैन क्लियरली से मैंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर पिकअप करी है. मैं ना बहुत सारी रील्स देखती हूँ बाहर के फॉरन जितने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं स्टाइलिंग की, अभी विंटर लेयरिंग की वो वीडियोस बनाते हैं, लाइक एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स डालते रहते हैं. सो मैंने उसमें हैक देखा था, शी सेड कि अगर आपके पास कोई भी स्किन कलर की फ्लीस वाली टाइट्स है, ये मैंने आपको प्रीवियस अमेज़न हॉल में बाय द वे दिखाई हुई है, ये अंदर से ऐसे फ्लीस मटेरियल की होती है. सो ये मैं लिंक कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक कर दूंगी. सो इसको अगर डायरेक्टली पहन लो ना तो बहुत प्रोमिनेंट दिखता है कि आपने स्किन कलर की टाइट्स पहनी हुई है. सो उसमें उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर पहनी ऐसी नेट की पैंटी हॉस, इसको बाय द वे पैंटी हॉस बोलते हैं, जो पूरी ऐसी लंबी होती है और ये होती है पतली नेट के अंदर. मीडियम तक के जितने लोग होते हैं आपको बिल्कुल परफेक्टली आएगी बिकॉज में साइज नहीं आते. बहुत बुरी चीज यार, ऐसी टाइट्स में उन्होंने साइजेस क्यों नहीं निकालते, इनको निकालने चाहिए बिकॉज हर कोई नहीं फिट हो सकता इसमें. मुझे फिर भी ये ठीक से आ गई थी, बहुत ध्यान से इसको पहनना पड़ता है. सो यू जस्ट हैव टू कलेक्ट ऑल ऑफ दिस. पहले एक लेग को अच्छे से ऐसे इकट्ठा करो एंड देन उसको नीचे से ऐसे डालना शुरू करो. इसको अगर क्लमजी तरीके से पहनोगे देयर इज अ चांस कि फट जाएगी बिकॉज ये बहुत पतला नेट होता है. कैन यू सी, बहुत ज्यादा पतला नेट होता है. और अगर आपके पॉइंटेड नेल्स है तो फिर तो भाई बहुत ही ध्यान से पहनना. सो ये मुझे चाहिए थी और मुझे काफी चीप प्राइस पे अमेज़न से दिख गई. मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था. एंड आई ट्राइड दिस हैक, मैंने पहले पहनी ये स्किन वाली टाइट्स और उसके ऊपर मैंने डाला ये. एंड ट्रस्ट मी बहुत सही लग रही थी, मतलब डायरेक्टली स्किन कलर की टाइट्स पहनने से मुझे बेटर लगा ये हैक. सो आई लव्ड इट. इस शर्ट के साथ मैंने पेयर अप किया था, सो यू कैन सी पूरा इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा था. मेरे पास यहाँ स्टूडियो रूम में ना बूट्स नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती. मैं डेफिनेटली जब स्टाइल करूंगी मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी. आप ये शर्ट पहन सकते हो, कोई भी लॉन्ग ओवरकोट कुछ भी डालो, ड्रेस पहन लो एंड उसको लेयर अप करके यू कैन वेयर ओवरकोट, नीचे बूट्स पहन सकते हो, बहुत सही लगेगी. सो आई थिंक एक सीजन ही चलेगा. अगर आप इसको रेगुलरली विंटर में पहनोगे ना, आई डोंट थिंक ये ज्यादा चलने वाली है. इसमें अगर एक कट भी आ गया ना, ये पूरा काम खराब कर देगा बिकॉज ये फिर ऐसे चिड़ता जाता है. सो मेक श्योर यू आर वेरी केयरफुल विद दिस. नेक्स्ट इज अ ब्यूटिफुल 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 स्कर्ट फ्रॉम द ब्रांड अपटाउनी. अपटाउनी की एड्स मैंने मल्टीपल टाइम्स इंस्टाग्राम पर भी देखी है, दे सेल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो मुझे जब ये अमेजोन पर देखी, मुझे डील भी बहुत सही मिल रही थी, सो आई इंस्टेंटली ग्रैब्ड इट. बहुत अमेजिंग कलर्स थे इनके पास, मैंने पिकअप किया है मरून कलर. इट्स अ वेरी प्रिटी प्लीटेड मिडी सॉर्ट ऑफ एक स्कर्ट है. मेरे पास से पहले एक जारा की भी स्कर्ट थी, वो मैंने काफी बार पहनी एंड यू गाइज लव इट, तो मुझे लगा एक और कलर की वैरायटी हो जाएगी. सो फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखती है, विच इज अ गुड थिंग. फ्रंट से एकदम प्लेन और पीछे इन्होंने इलास्टिक दी हुई है. काफी बार ना लोकल जो ब्रांड की प्लीटेड स्कर्ट होती है उसमें चारों तरफ इलास्टिक होती है, वो अच्छी नहीं लगती. फ्रंट में इलास्टिक बहुत क्लमजी लगती है, सो आई रियल लाइक द फैक्ट इसमें फ्रंट में नहीं है. साइड में इन्होंने यहाँ पे जिपर भी दिया हुआ है, वी हैव अ प्रॉपर जिपर ओवर हेयर एंड यहाँ पे आपको बटन भी मिलता है. सो डेफिनेटली आप अपना साइज ग्रैब कर सकते हो. मैंने इसमें साइज लिया है मीडियम, आई थिंक मैंने पिकअप कर लिया था, या बिकॉज मुझे साइज चार्ट के हिसाब से स्मॉल थोड़ा सा टाइट लग रहा था. बट इसमें अगर आप अपना साइज भी लोगे ना तो बिल्कुल सही आएगा बिकॉज पीछे आपको इलास्टिक भी सही मिल रही है. ओवरऑल आई लव्ड इट. आप इसको हाई वेस्ट लो वेस्ट करके पहन सकते हो, लेंथ
पीस की एकदम परफेक्ट है। और ये जो प्लीटेड स्कर्ट्स होती है ना, ये इतनी ग्रेसफुल लगती है। ये बाय द वे 100% सैटिन मटेरियल की है, इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में तो यही लिखा था 100% सैटिन। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने प्रॉपर सैटिन यूज किया, वो पॉलिएस्टर वाला सैटिन यूज नहीं किया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कलर्स की वैरायटी, आई कैन सी सिल्वर, एक मैट रेड कलर भी है, तो शाइनी है, इनके पास एक मैट रेड कलर भी है। आई कैन सी ब्लैक, ओ दे हैव पिंक एज वेल। मेरे पास जो ज़ारा वाली पिंक स्कर्ट है ना, दे हैव एग्जैक्टली द सेम कलर। मेरी ज़ारा वाली थोड़ी सी टेम डाउन है, मतलब वो इतनी शाइनी नहीं है, बट द कलर इज एग्जैक्टली द सेम, कैन यू सी। सो जो भी लोग मेरे से पूछते रहते हैं वो ज़ारा वाली फोटो को देख के, बिकॉज वो फोटो मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। ऑल दो मैंने स्कर्ट दो बार ही पहनी है, बट मैंने हर जगह इतनी बार यूज़ कर ली ना, अभी भी लोग कहते हैं कहाँ से ली। सो वो 2-2.5 साल पुराना परचेज है, आई डोंट थिंक अब ज़ारा में अवेलेबल है। सो डेफिनेटली आप ये ग्रैब कर सकते हो, बिकॉज आपको लिटरली ज़ारा का ड्यूब मिल रहा है ऑन हाफ द प्राइस। इसका क्या प्राइस है, 2000 इसका MRP है, 734 अभी इसका डील प्राइस चल रहा है। सो डेफिनेटली अमेजिंग। ओनली थिंग इज, मुझे नहीं पता कि प्लीटेड स्कर्ट को स्टोर कैसे करें, बिकॉज मेरी ज़ारा वाली में भी ना यहाँ पे ऐसे लाइन आ गया, बिकॉज ऑब्वियसली इसको ऐसे फोल्ड करके कहीं रखोगे तो यहाँ पे लाइन आ जाती है। सो प्लीज अगर किसी को पता है इसको कैसे स्टोर करते हैं, मुझे बताओ, बिकॉज अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको प्रॉपर कैसे स्टोर करूं, कि इसकी प्लीटेड जो प्रॉपर प्लीटिंग है वो खराब ना हो। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई पिक्ड अप अनदर स्कर्ट फ्रॉम अपटाउनी, दिस वन इज इन अ डेनिम कलर, वेरी नाइस नीट डेनिम स्कर्ट है। बेसिकली कोई भी इसमें रिब नहीं है, कोई भी फटा फुटा नहीं है, बिकॉज मुझे रिब पहना अलाउड नहीं है। माई मॉम इज लाइक, नहीं बिल्कुल भी रिब जीन्स नहीं पहननी, शी इज लाइक हमारे अंदर कुछ भगवान का वास होता है, फटे हुए कपड़े नहीं पहने चाहिए बेटा, समथिंग लाइक दैट। सो मुझे रिप्ड कपड़े बिल्कुल भी पहनना अलाउड नहीं है। सो काफी बार होता है, मुझे सरोजनी भी, मैं जाती हूँ ना, सारी जो स्कर्ट होती है नीचे से फटी होंगी, धागा निकल रहा होगा, रिप्ड होंगी। सो जो फाइनली अमेजोन पर एकदम सरोजनी वाली ऑलमोस्ट, या थोड़ा सा ज्यादा आप लगा लो 100-200 के प्राइस में मुझे एकदम बढ़िया नीट एक स्कर्ट मिल गई। इसमें साइड में से बटन जा रहे हैं, द ओनली थिंग इज इसमें इलास्टिक नहीं है। सो मैंने इसमें साइज मंगवा लिया मीडियम, एंड इट इज क्वाइट लूज ऑन मी। मेरा जो वेस्ट साइज है वो 28 के अराउंड है, 28 के अराउंड। सो आप इमेजिन कर सकते हो, आई थिंक आपको ऐसी मंगवाना चाहिए, बिकॉज ये काफी लूज है। बट द गुड पार्ट इज इसमें आप प्रॉपर ऐसे बकल दिए हुए हैं, तो मैं इसमें बेल्ट लगा लूंगी। मैं एक साइज छोटा नहीं ले रही, बिकॉज मुझे ब्लोटिंग का काफी ज्यादा इशू है, और इसमें इलास्टिक नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है। सो इनकेस अगर स्मॉल लूंगी वो टाइट बहुत ज्यादा आएगा, तो पहनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आप भी आई थिंक अपना साइज चार्ट मैच करके मीडियम समथिंग ले सकते हो, एंड देन यू कैन वेयर अ बेल्ट। बटन भी इसमें काफी नीट है, आप नीचे से खोल भी सकते हो अगर आपको टाइट टाइट फील हो रहा हो, बट ओवरऑल आई रियली लाइक इट। ऐसी नीट डेनिम स्कर्ट काफी रेयर मिलती है, और मुझे तो काफी सही डील पे मिल गई। सो आई वेरी हैप्पी। आई हैव अनदर स्कर्ट फ्रॉम द ब्रांड ओनली, यू कैन कॉल इट अ स्कर्ट हॉल, बिकॉज इससे पहले आई डोंट थिंक सो मैंने अमेजोन से इतनी सारी स्कर्ट एकदम मंगवाई होंगी, बट आई थिंक मैंने आपको एक अच्छी वैरायटी दे दी तीनों अलग अलग स्टाइल की स्कर्ट मंगाकर। सो इस पर मुझे अमेजिंग डील मिली है, मतलब MRP के कंपैरिजन में डील तो इतनी सही थी ना, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द मटेरियल। मतलब देखने में मॉडल के ऊपर लग रहा था बड़ा पतला सा कॉटन का एक मटेरियल होगा, बट जब ये आई आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छी इसकी थिक मटेरियल की इसकी क्वालिटी, इलास्टिक बहुत सही है। सो इट्स अ वेरी क्यूट डांगरी सॉर्ट ऑफ स्कर्ट, ये मतलब डांगरी भी है, बिकॉज इसमें जो इन्होंने ये स्टाइल दिया हुआ है, ये अटैचेबल है, दोनों साइड आपको बटन मिलते हैं, तो आप हटा भी सकते हो अगर आपको खाली ऐसा स्कर्ट पहनना है, बट मुझे इस स्टाइल के साथ ही क्यूट लग रही है। फ्रंट में एकदम स्ट्रेट जाती है, पीछे हल्का सा नीचे की साइड ना ऐसा ही कुछ एक्स सॉर्ट ऑफ एक बनता है। मेरा नहीं बन रहा बिकॉज मुझे काफी लूज है, इसका जो स्ट्रिंग है ना वो लूज है, इलास्टिक मुझे एकदम परफेक्ट आ रही है। एंड इसमें जो बटन है ना, मैं इसमें एक और ऐसे स्लिट करवा के फिर इसको टाइट कर सकती हूँ, विच इज अ गुड थिंग। सो मैं दो भी अगर होल्ड कराऊंगी, मैं उसके हिसाब से इसको फिटेड कर सकती हूँ। अभी मैंने आपको जो पहन के दिखाया है, मैंने उसको अंदर टक करके आपको पहन के दिखाया है, लव्ड इट। आप देख सकते हो मैंने इसी पिंक वाले टर्टलनेक स्वेटर के ऊपर पहनी, कितनी क्यूट लग रही है। विंटर्स में नीचे टाइट्स पहनो, उसके बाद बूट्स पहन लो, ऊपर ओवरकोट डालना तो ओवरकोट डाल सकते हो, बड़ी क्यूट एकदम इसकी गर्ली गर्ली लुक आ रही है, विच आई लव। इसे मैंने साइज पिकअप किया है 38, विच इज इक्वल एंड टू ओनली का मीडियम साइज। तभी शायद मुझे ये चीज लूज आ रही है, मुझे स्मॉल लेना चाहिए था, बट मुझे ये इलास्टिक बेस वाली एकदम परफेक्ट आ रही है। सो नो इशू, इसको तो मैं ऐसे स्लिट करवा के बटन को टाइट कर लूंगी, सो कोई इशू नहीं है। इसको आप हटा लोगे तो खाली स्कर्ट की तरह पहन सकते हो, उसको लगा लोगे तो एकदम डांगी वाली लुक आएगी। सो काफी मल्टीपर्पज ये पीस है। लास्ट आइटम इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज मुझे इसका जो मटेरियल है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इट्स वेरी ट्रांजिएंट, घिसा घिसा हुआ मटेरियल, ऑल्दो ये लुक वाइज बड़ी प्रिटी लग रही थी मॉडल पे। मुझे ऐसी बेसबॉल टीज बहुत पसंद है, मुझे काफी अच्छी एकदम टॉम बॉय सॉर्ट ऑफ बड़ी मतलब अच्छी फील देती है मुझे ऐसी बेसबॉल वाली टीज। सो ये फुल स्लीव की एक टी है फ्रॉम द ब्रांड ओनली, अगेन ये भी ओनली की है, इसका भी MRP काफी हाई है, लेकिन मुझे सही डील पे मिल गई थी। लेकिन इसका मटेरियल इतना ज्यादा पतला है ना, मैं इसको गर्मियों में मतलब अगर मैं इसके नीचे नॉर्मल ब्रा पहनू
पहनूंगी ना वो बहुत ज्यादा शो अप होगी. अभी मैंने इसी के ऊपर पहन के दिखाई थी बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है, प्लस वो ऑब्वियसली ब्रा शो अप हो रही थी. सो अगर आप इसको जिम में पहनना चाहते हो ना, लाइक आप जिम में आपने स्पोर्ट्स ब्रा पहन लिया, अंदर कुछ भी आप स्पोर्ट्स ब्रा टाइप पहनते हो तो उसमें चलता है बिकॉज इट्स लाइक प्रॉपर कवर्ड. सो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली इसको पहन सकती हूँ बिकॉज जिमिंग के हिसाब से बड़ी सही है, लूज फिटेड है, एकदम ढीली ढीली, एट द सेम टाइम लुक वाइज भी सही है. यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया हुआ तो एक्सरसाइज करते वक्त नहीं खिसकता नहीं है, यहाँ पे ऐसे टाइट रहता. तो या स्मॉल साइज मैंने पिकअप किया है 300 रुपए में, इतना कोई गिला शिकवा नहीं है, बट इसका अगर मटेरियल बेटर होता तो सही रहता. सो या इट्स एन ओके पीस. एंड विद दिस माय अमेज़न हॉल इज ओवर. मैं इन दोनों के लिंक भी दे दूंगी, ये भी काफी सही वॉर्म वॉर्म है. मैं आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ बाय द वे जैकेट, ये मैंने रिसेंटली ली थी अमेज़न से. सो इन दोनों के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे. आपको माय हॉल स्टोर का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको ये सारी चीजें इजीली विजिबल होंगी एंड यू कैन शॉप वेरी इजिली. अमेज़न की भी सेल चल रही है तो अभी जाकर फटाफट देख लो कि ये चीज आपको डील पे मिल रही है बढ़िया या फिर नहीं मिल रही. काफी बार डील भी ठीक ठीक होती है लेकिन साइज आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो फटाफट जाओ और ग्रैब कर लो अगर आपको ग्रैब करना है. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.